मैडम ने एस डी एम साहब ने मीटिंग रखी सी सारे सब डिवीजन दे ऑफिसर साहबान इतने इकट्ठे हुए सी ते मैं भी ये विच शामिल होया ते सारे विकास दे कम्मां नूं लेके जां जो भी इत्थे कम चल रहे ने जां चलणगे उन्हां दी जानकारी लैण दे लई अज्ज दी मीटिंग रखी गई सी। की फैसले कीते गए? फैसला कुछ नहीं करना सी अज्ज, फैसला तो यही सन्ने के पहला तो जो सरकार नवी बनन जा रही है सरकार दियाँ सब तो बड़ी गल सरकार ने जो सोची है कि असी करप्शन रहित भ्रिष्टाचार मुक्त असी एक प्रशासन देना है तो असी लोगों नू हर तरह की राहत देनी है बुनियादी सहूलत देनिया ने। सो इन सारिया गलों बारे असी चर्चा की अज ते जो कम रुके हुए सी वो कम शुरू करन दी गल भी की है ते जो कुछ होना है कमियां ने वो कमियां बारे भी गल की है ते सारे ऑफिसर्स दी एक जिस तरह कह सकते हैं जान पहचान भी हुई है। सो अज तो सिर्फ यह साडा मसला सी। सर एक सीआर रजिस्टर लाया गया सी अपने ऑफिस वल्लों कोई कंप्लेंटा तुहानू मिलियां हल्के दे विचों आ रहियां लगातार उहदा निपटारे लई किस तरह नाल कर रहे? देखो असी इस तरह का एक सिस्टम बना लेना सारे ऑफिसर्स के सहयोग के नाल कि किसी नू कोई कंप्लेंट रहनी नहीं। असी सिस्टम इस तरह का बना देंगे क्योंकि सारे ऑफिसर ने बड़े सहयोग का भरोसा दिता है क्योंकि मुलाजमान दे विच मेरे ख्याल दे विच कोई कमी नहीं होंदी सिर्फ उन्होंने चलाउण दी जां उन्होंने दसण दी गल होंदी है। हुण जिस तरीके नाल भी सरकार का जो प्रोग्राम ने उन्होंने दस्सिया उन्होंने बड़ी खुशी दे नाल कि असीं सारे लागू करांगे। सो मैं समझदा कि कोई कंप्लेंट आने वाले समय दे विच कि थोड़ा समा लग जाना किसी नूं कोई शिकायत होनी ही नहीं। सर अफसर ने कोई ऐसे लिखती रूप से देखिए जिहड़ियां कमियां ने जिवें होस्पिटल की गल करिए उत्थे डाक्टरां दी घाट हैगी आ मूर्त भी घाट हैगी उत्थे भी घाट हैगी सेहत सहूलतां ते सिक्ख्या दे विच भी कमियां हैगियां कोई तुहानूं लिखती रूप चाहिए भी सीएम साहब तक पहुँचाउण दी कोई? हाँ वो मैं अज सारा कहा कि किन्ने अपने इत्थे होस्पिटल जिहड़े हैगे आ जां पेंडू डिस्पेंसरियां जो भी है किन्ने उत्थे डाक्टर दी असामियां ने किन्नियां खाली पईयां ने सारियां समें दी लिस्ट मंगी है इस तरह सारे स्कूलों की। कोई परेशानी नहीं किसी किस्म की होगी सारे ऑफिसर की हाजिरी यकीनी होगी सारे ऑफिसर सवेरे 9 बजे तो शाम 5 बजे तक दफ्तर के बैठे तो जिहड़ी हुण एडिशनल चार्ज ने किन्ने लगे वह भी एक ऐसा सिस्टम देखो बनाया गया है। हुण साडे लहरेगा नगर कौंसल दे विच ईओ है वो मोहाली रहिंदे आ उन्होंने मोहाली का चार्ज दिता तो कलहरे का चार्ज दिता जाए। सो इस तरह जिहड़े खनौरी दे ने वो रहिंदे सीगे आ उन्होंने खनौरी ते समाणी दा दिता गया मोनका वाले नूं 2 चार्ज होर ने उन्होंने कोल अहमदगढ़ दे चार्ज ने मैं तो हैरान हाँ भी सोच के की किया गया। हुण जे एक ईओ एस कोई ऑफिसर की कमी है तो तिना नगर कौंसलों एक ऑफिसर नूं डिप्यूट किया जा सकता हुण पता नहीं क्या सिस्टम इन्होंने पहला बनया हुआ था वो असी सारा जो है ये भी सिस्टम ठीक करने क्योंकि जे एक ऑफिसर की जिथे ड्यूटी है 3 चार्ज उसमें मिल गए पर बाकी जिन्होंने भी एडिशनल चार्ज ने उन्होंने भी कहा है कि अपनी हाजिरी यकीनी बनाओ जिहड़े दिन इत्थे आना बकायदा लिखा होएगा हुण संबंधित खासकर जिवें नगर कौंसल दे विच असीं उन्होंने कहा ईओ साहब नूं वह बकायदा लोगों को पता होएगा कि किहड़े दिन उन्होंने आना तो उसी दिन लोग अपने काम आके करा लेंगे। सो कहन तो मेरा भाव कि सारी समस्यावां जो है असीं निजी समझते हाँ तो वह सारिया समस्या का तुरंत असी नाल दी नाल करदे रहांगे कोई समस्या उन नहीं देवांगे लोगों को। पिछले समय जो विकास के काम हुए करोड़ों रुपए की जांच भी चल रही है
देखो जे कि गलती हुई ने तो उन्हों की जाँच भी होगी, बाकी जे कोई सही काम हो रहे ने जे चल रहे ने असी उन्हों रेगूलर भी रखांगे। असी इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं लेके चलते ज इस तरह की मन के शंका नहीं लेके चलते कि पुराने काम सारी गलत ने ज पुराने कामों के हो है। जो सही है उन्होंने सही कहेंगे, जो तू गलत उन्होंने गलत कहेंगे। बिल्कुल मैं लगता है कि मैं इनू आवाज़ इसी जी उन्हों की आवाज़ 105 मुलाजम ने यह बहुत ही दुखदाई गल है कि 105 मुलाजम पिछले 36 महीनों तो उन्होंने तनख्वाह नहीं मिली। तो हुण मैडम ने भी अपना हलका इंचार्ज भी थे, उधर साढ़े MLA साहब भी थे, हुण इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई उन्हों की। हुण 36 महीने तो मुलाजमान तनख्वाह ना मिले तो इससे माड़ी गल की हो सकती है। असी उन्होंने पूरा इंसाफ करांगे ते पूरी उहदी आवाज़ उठावांगे। लहरा गागे जी, एक सड़क बननी सी जी, उहदा भी काम रुकिया पिया विचाले, हाँ की उहदी जांच तों बाद उहदा चलण लई सवाल। उह संगती वाले तों लहरे अड़क वास तक उह भी है जी अपने लहरे गागे गौशाला रोड, गौशाला रोड ते धर्मशाला रोड, हाँ गौशाला रोड उह भी मैडम ने अपने हाथ च लई है गल। उह सारा देखदे आ कि दुबारे बनाउणी आ क्योंकि बहुत ही घटिया मटीरियल वरत्या गया सी ते इसे करके रोक दित्ती गई थी। वो देखते भी उसे दुबारे बनाना या की सिस्टम बनाने भी अब ड्यूटी लाई है सर। सर तीन काम नहीं अभी बहुत कम करा कम ज्यादा ने तीन नहीं है पर जो पहले ने देखो सारे जिस तरह टीचर की बहुत कमी है साढ़े स्कूलों के बाले स्कूल साढ़े प्राइमरी ने हले तक हूँ हालांकि प्राइमरी पंज पढ़िया तो बंदा कोई होंदा ही नहीं पर साढ़े हल्के दे विच बहुत स्कूल प्राइमरी चले आ रहे हैं मिडल तक भी नहीं है। सो असी स्कूलों की दशा सुधारनी है, हस्पतालों की दशा सुधारनी है तो बाकी जो नशे पत्तियां का कारोबार है आ डिप्ट साहब बैठे है असी नशे पत्तियां के कारोबार को टोटली बंद करना है। असी अज मामला विचारे है तो पिंडा दे विच असी कमेटियां भी बनाउणियां ने ये नशे का कारोबार जिहड़ा जाखल का हरियाणे का बॉर्डर है इस करके इस नशियां दे कारोबार में एक किस्म का प्रोत्साहन भी मिल रहा है। उतों लोग नशे लेके आए वह अज असी सारे पुलिस प्रशासन नाल विचार किया है भी इनू किवें रोकया जाए एक बहुत बड़ी एक मुसीबत है। सो असी नशियां ते भी ठल पाउणी है ते होर सारियां बहुत प्रॉब्लम ते पीण वाले पानी की कोई सुविधा नहीं हल तक वो सारे असी मामले विचारे ने असी सारे मसले हल करांगे। कल सौंचक समागम आएगा भगवंत मान जी ने पूरे पंजाब के लोगों को बेनती की है कि औरतें जो सिर पर जो केस की चुनिया लेके आने की मांग जो पक्का मन तो लहरा गागा तो किस तरह है कल प्रोग्राम होगा जो CM साहब ने कहा है उस गल पर पूरा अमल किया जाऊगा क्योंकि CM साहब एक संदेश देना चाहते हैं कि भगत सिंह होर ने एक पूर्ण स्वराज की कल्पना की थी। उस समय जो उन्होंने कुर्बानियां कीतियां सी देश आज़ाद कराया सी एक उन्हें आज़ादी के योद्धा ने जिन्हें शहादतां दित्तियां फांसियां के फंदे ते चढ़े जेलां कट्टियां उन्होंने एक सुपना सी पूर्ण स्वराज का वो पूर्ण स्वराज के लिए मरे सी वो शहादतां दित्तियां सी पर साढ़े आगू साहबाना ने इस कि जिहड़े अंग्रेज़ां नूं असी कढ़न पिछे साढ़े भगत सिंह होरां ने शहादतां दित्तियां ते अज साडी हालत यह है कि असी अपने जमीना गहने रख के जमीना बेच के अपने बच्चों उन्होंने अंग्रेजों के कोले भेज रहे हैं। सो यह भगत सिंह जी की उत्थे उन्हां दी धरती ते उत्थे संकल्प लैणगे ते वो एक जस्ट सुनेहा देना कि असी सारे भगत सिंह बनांगे जो पूर्ण स्वराज की उन्होंने कल्पना की सी वो हुण देश पूर्ण स्वराज वल वध रहा हुण अज एक पंजाब दे लोकां ने जो एक बहुत बड़ा एक आम आदमी पार्टी नूं क्योंकि लोग आम आदमी पार्टी नूं एक संभावित पूर्ण स्वराज के तौर पर एक इस तरह देखते हैं कि यह पार्टी जो है ये लोगों की आसां दे पूरी उतरेगी। सब तो बड़ी जिवें मैं पहला बेनती की है जिवें भ्रिष्टाचार है हर एक बंदे नूं यकीन है कि भ्रिष्टाचार का खात्मा करनगे और सानूं साडे ऑफिसर साहिबान ते बड़ा माण है फख्र है उन्होंने सारे ने कहा भी कोई गल ही नहीं इस तरह की
पर जिहड़े आगू साहिबान पहलां करवाउंदे रहे आ मैनूं इह कहिण दे विच कोई हिच नहीं है कि भ्रिष्टाचार शुरू कित्थों हुंदा आगूआं तों हुंदा जे आगू बिल्कुल सारे ऑफिसर साहिबान दे नाल खड़नगे उहनां नूं कहणगे तुसीं अपना सही कम करो तां कोई भ्रिष्टाचार की गल नहीं होएगी। अड़के डाउन वाले भी किहड़े ते उह भी तुहानूं सारिआं नूं पता किवें अड़के डाएगे। देखो असीं तां हमेशा अड़के हटाउण च रहे हां, इह अड़के डाउंदे रहे आ ते असीं अड़के हटाउंदे रहे हां। हुण इह इहनां ने केड्डी वड्डी देखो जाति कीती सी, धक्का कीता सी, पर भगवान ने इंसाफ करता। ये धक्का करने वालों भगवान ने भी लोगों ने भी घर बिठाया था। हुण नगर कौंसल का जो मसला जो दो लोगों के नाल जाति हुई सी वो हाई कोर्ट के मसला विचार अधीन है। तो हुण असी जिहड़े प्रशासन भी इन्हां दे हत्थां दे विच एक मजबूर हो के रह गया सी, हर कोई जानदा सी किथे की होया किस तरह धक्के होए ने, सारा प्रशासन भी जानता थी, सारे चंडीगढ़ लेवल ते ऑफिसर भी जानते सी, पर इन्होंने संघी कुटी हुई सी उन्होंने, वो हुण आजाद हो गए। उन्हें सारी नगर कौंसल भी बनावांगे ते नगर कौंसल बना के शहर नूं इस तरह का बनावांगे। अज असी बहुत विचारां कीतियां ने इस गल ते, बहुत वधिया नगर कौंसल बना के लोगों नूं पूरन जिहड़ियां सारियां सुख सुविधावां असी प्रदान करांगे।